हाय एवरीवन, दिस इज भावना शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल पत्रोकला। आज की मेरी वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने मेघालय के ऊपर ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट बनाया था और उसके ऊपर काफ़ी सारे स्टेट के लिए मेरे को ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोगों ने कमेंट किया है और सबसे ज़्यादा मुझे सिक्किम के ऊपर किया था, तो इसलिए मैं सिक्किम के ऊपर एक ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे रिसर्च वर्क से या मेरे स्टाइल से इंस्पायर्ड होके या इंस्पिरेशन लेके आप अपने प्रोजेक्ट्स को खुद से करें। सो दिखाती हूँ मेरा ये प्रोजेक्ट मैंने किस तरीके से किया है। ये कुछ ऐसा है, इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के अंदर जब प्रोसेसिंग में आपको दिखाऊंगी तो इसमें तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि मैंने ये कैसे किया है। आप लोगों ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके ये भी बोला था कि आपने कौन सी शीट्स यूज़ की हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये शीट्स यूज़ की हैं। आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि साइज़ क्या है, तो शीट्स का नेम है स्नो वाइट कार्ट्रेज शीट्स और पेपर, और इसका साइज़ है A3 साइज़। और आपने ये भी पूछा था कि मैंने कितनी शीट्स यूज़ की हैं, तो मैंने दो शीट्स यूज़ की थी। आइए अब देखते हैं कि इसको अटैच कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं A3 साइज़ की दो कार्ट्रेज शीट ले रही हूँ। अब हम दोनों शीट की ब्रेथ से हाफ हाफ सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों शीट्स में हाफ सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक शीट में से पेपर कटर की हेल्प से हाफ सेंटीमीटर स्ट्रिप को कट कर देंगे। हम पेपर कटर की हेल्प से दूसरी शीट में हाफ कट लगाएंगे। शीट में हाफ कट लगाने के लिए हम पेपर कटर को उल्टा यूज़ करेंगे। इसकी वजह से पेपर पर पेपर कटर का मार्क ज़रूर आएगा पर पेपर पूरी तरीके से कट नहीं होता। इस हाफ कट को लगाने से पेपर को फोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम शीट की लेंथ पे दो इक्वल मार्क लगाएंगे जो कि शीट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर आप स्कूल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी पिक्चर्स और वीडियो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी पिक्चर और वीडियो को आने वाली नेक्स्ट स्कूल प्रोजेक्ट वीडियोस में ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप चाहें तो आपके नाम के साथ और आपकी इंस्टाग्राम आईडी के साथ। अब हम शीट पर लाइन्स ड्रॉ करेंगे और शीट्स को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम पेपर कटर की हेल्प से फिर से हाफ कट लगाएंगे। हाफ कट की हेल्प से अगेन हमें शीट को फोल्ड करना आसान हो जाएगा। अब हम अपनी शीट्स को ज़िगज़ैग फोल्ड्स देंगे जिस तरीके से मैं दे रही हूँ, आप भी दें। दोनों शीट को रेडी करने के बाद अब हम दोनों शीट को फेविकॉल की हेल्प से अटैच करेंगे। दोनों शीट को अटैच करने के लिए जो हमने एक शीट पर हाफ कट लगा के हाफ सेंटीमीटर की लाइन को छोड़ा था उसकी हेल्प से दूसरी शीट को इस पहली शीट के साथ अटैच करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ वीडियो में कर रही हूँ आप भी ठीक उसी तरीके से इन शीट्स को अटैच करें। अब आपके ब्रोशर का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर आप अपना कवर पेज या अंदर का कंटेंट बनाना या पिक्चर पेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इस ब्रोशर को बनाने के लिए हमने दो A3 साइज़ की शीट का यूज़ किया है जिनको हमने तीन तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था और एक दूसरे के साथ अटैच किया था। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 6 शीट्स हैं और 12 साइड्स हैं वर्क करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रोजेक्ट को बनाने की प्रोसेस क्या है। तो आइए अब हम लोग प्रोजेक्ट मेकिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग से। रीडिंग से मेरा मतलब है हमें जो स्कूल से कंटेंट प्रोवाइड किया गया है प्रोजेक्ट मेकिंग के बारे में उसको अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली हमें प्रोजेक्ट में बनाना क्या है। क्योंकि अगर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमें एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में क्या बनाना है तो हम अपना अच्छे से प्रोजेक्ट को बना नहीं पाएंगे। प्रोजेक्ट को पढ़ने के बाद आपको जो भी पॉइंट्स या सब पॉइंट समझ में आते हैं उसको आप अपने कॉपी में या रफ कॉपी में लिख लीजिए ताकि वो आगे आपके प्रोजेक्ट में हेल्पफुल रहें। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करना शुरू कीजिए। जो आपने रफ कॉपी में पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स के भी ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट के कंटेंट को एक तरफ इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रिंट आउट्स लें। इसके बाद आप कुछ कलरफुल शीट्स लें, लेकिन आप ध्यान रखें कि शीट्स का कलर थोड़ा लाइट हो। जिस तरीके की लाइट कलर शीट्स मैं यूज़ करी उसी तरीके की करें।
अगर आपको भी प्लेन शीट पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप भी डायरी की शीट लेकर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने जो भी राइटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आप उसको टॉपिक वाइज अपने कॉपी में या ऐसे शीट्स में लिख सकते हैं। आपके पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी राइटिंग वर्क है आप एक साथ कर लीजिए। सारे प्रोजेक्ट का कंटेंट एक साथ लिखने के बाद आप ये बिल्कुल ना भूलें कि आप जब भी किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं उसके पीछे आप उसका नेम ज़रूर लिखें ताकि आपका प्रोजेक्ट मिक्स ना हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रिंट लेने से पहले और कंटेंट को लिखने से पहले एक रफ ब्रोशर आप बनाएंगे, उसके ऊपर अपने ब्रोशर की प्लानिंग करेंगे कि आप किस तरीके से प्लान करके कहाँ क्या आप प्लेस करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने मेघालय वाले प्रोजेक्ट में भी किया था। आई होप आपको याद होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वो ज़रूर देख के आइएगा ताकि आपको आपके ब्रोशर प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प मिले। मेरे इस प्रोजेक्ट का टॉपिक सिक्किम है इसलिए मैं उसको सिक्किम के अकॉर्डिंग ही प्लान कर रही हूँ। सिक्किम के एस में यहाँ पे मैंने एक राइस प्लांट को अटैच किया है क्योंकि राइस सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड साइड में एक बुद्धिस्ट टेम्पल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो कि आगे मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ पर मैंने प्लान शीट में अपने ड्रॉ किया है। यहाँ स्क्वायर शेप जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे एक पिक्चर को पेस्ट करने के लिए मैंने स्पेस छोड़ा है। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे राइस प्लांट बना रही हूँ जो कि मैं आगे यूज़ नहीं करूँगी पर मैंने यहाँ पे प्लान शीट में यूज़ किया है। सिक्किम स्टेप फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसलिए मैं यहाँ पे एक स्टेप फार्मिंग का माउंटेन ड्रॉ कर रही हूँ। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में मैंने माउंटेन्स को ड्रॉ किया है। प्लानिंग के कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम लोग कवर पेज बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं स्टेप फार्मिंग माउंटेन बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने वाटर कलर की हेल्प ली है और हैंड ड्रॉ मैंने इसको किया है, जिसके लिए मैंने एक वाइट शीट का यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने स्टेप फार्मिंग माउंटेन्स को ड्रॉ किया है। ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं इसके ऊपर वाटर कलर अप्लाई करूँगी। वाटर कलर को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे मैं OHP परमानेंट पेन मार्कर यूज़ करके अपनी ड्राइंग को आउटलाइन कर रही हूँ। परमानेंट पेन यूज़ करने का फ़ायदा यह है कि इसके ऊपर अगर आप वाटर कलर करेंगे तो ये ऑफ कोर्स स्मज नहीं होगा या फैलेगा नहीं। यहाँ पर मैं वाटर कलर को अप्लाई करने वाली हूँ आउटलाइन होने के बाद। यहाँ पे मैं वाटर कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैंने किस तरीके से कलर अप्लाई किए हैं। अगर आपको वाटर कलर करने नहीं आते हैं तो आप इसके अल्टरनेट में प्रिंट आउट का यूज़ भी कर सकते हैं। कुछ पिक्चर्स का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट आप उनकी कटिंग और प्रिंट यूज़ कर सकते हैं अपना कवर पेज बनाने में। यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा कलर्स को अप्लाई करके दिखा रही हूँ, जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आई होप वो आपके लिए यूज़फुल रहे। अगर नहीं रहेगा तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप प्रिंट आउट्स का यूज़ कीजिए, समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। इसके बाद आप अपने प्रिंट आउट की कटिंग कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। प्रिंट आउट्स की कटिंग करने के बाद प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास प्रिंट आउट की कटिंग्स एंड राइटिंग मटेरियल दोनों हमारे पास रेडी हो चुका है। दोनों चीज़ों के कंप्लीट होने के बाद अब हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग हेडिंग्स का यूज़ करेंगे। मेरे लास्ट प्रोजेक्ट जो कि मेघालय वाला था उसमें मैंने क्लाउड थीम का यूज़ किया था, बट इट्स नॉट नेसेसिटी कि हम लोग हर एक प्रोजेक्ट में किसी ना किसी थीम का यूज़ करें। समटाइम इट्स गुड टू बी सिंपल। तो इसीलिए हेडिंग्स के लिए मैंने स्क्वायर शेप की शीट का यूज़ किया है और उसको चारों तरफ से ब्लैक कलर के पेन से आउटलाइन किया है। और इसी तरह मैंने बाकी अदर हेडिंग शीट्स को भी रेडी कर लिया है। ये मैंने अलग अलग कलर्स की ली है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसका पूरा कंटेंट जो स्कूल से आपको प्रोवाइडेड होता है उसको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें सो दैट मैं उसे अच्छे से रीड कर पाऊँ और उसके बाद उसे समझ के आपके लिए प्रोजेक्ट बना क्योंकि पाऊँ। कई बार जब आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो आप प्रॉपरली कमेंट नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है और मैं भी नहीं समझ पाती हूँ कि आप क्या या किस सब्जेक्ट के ऊपर या क्या एग्जैक्टली आपका प्रोजेक्ट है वो नहीं समझ में आता है। तो आप जब भी मेरे से प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं यूट्यूब पे कमेंट करने के साथ साथ प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे पूरा आपका स्कूल प्रोजेक्ट मेरे को DM करें सो दैट अच्छे से मैं उसको रीड आउट कर पाऊँ और मैं उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना पाऊँ।
लास्टली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं ऑर्डर्स पे भी प्रोजेक्ट बनाती हूँ। सो अगर आपको अपना कोई स्कूल प्रोजेक्ट या कॉलेज प्रोजेक्ट मेरे से बनवाना है तो आप मुझे उसके लिए भी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने हेडिंग्स को लिखने के लिए डिफरेंट फॉन्ट का यूज़ कर रही हूँ। आपको कुछ और फॉन्ट्स आते होंगे, आप उन फॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो मेरे जैसे फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने मेघालय वाले प्रोजेक्ट की तरह ही सेम उसी पैटर्न में अपने प्रोजेक्ट को पेस्ट करना शुरू कर रही हूँ। पेस्टिंग से पहले मैं एक बार फाइनल प्लानिंग भी करती हूँ, उसके बाद मैं अपने प्रिंटआउट्स को एक प्लेन शीट के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। प्रिंटआउट्स को पेस्ट करने के बाद मैं प्रिंटआउट की कटिंग कर लूँगी। अब मेरी वर्कशीट पूरी तरीके से रेडी है, इसको मैं पेस्ट करना शुरू कर रही हूँ। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने बाकी सारी शीट्स को भी प्लान किया है और अपने सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट में कलर थीम्स को थोड़ा फॉलो किया है। किस तरीके से, जैसे कि सबसे पहले अगर मैंने हेडिंग जिस कलर की ली है तो सारे शीट पे यूज़ होने वाली हेडिंग सिमिलर कलर की होंगी। पिक्चर्स का और राइटिंग वर्क का पैटर्न एक कलर का होगा। प्रिंटआउट्स को कलर शीट के ऊपर पेस्ट करके कटिंग के साथ लगाने से प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा ग्रेस आती है। अगर आप प्रिंटआउट्स को डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इसलिए अगर आप कलर शीट का यूज़ करें प्रिंटआउट को पेस्ट करने के लिए तो आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा सुंदर लगेगा। स्कूल प्रोजेक्ट के रिसर्च के लिए आप विकिपीडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। विकिपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड मिल जाती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि विकिपीडिया पे प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट होती है। स्टिल विकिपीडिया पे कुछ ऐसे कंटेंट या सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, उसके लिए हम किसी और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मेरा ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवर पेज की। यहाँ पे सिक्किम हमारा सब्जेक्ट था, तो सिक्किम में स्टेप फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है और राइस की फार्मिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से मैंने स्टेप फार्मिंग और राइस को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है इसमें। वैसे हम लोग कवर पेज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सिक्किम का हेडिंग लिखा है और चार सिक्किम के अलग अलग प्लेसेस की पिक्चर लगाई है। यहाँ पे सिक्किम के बारे में कुछ कंटेंट लगाया है। सिक्किम की पिक्चर्स के पीछे मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। राइट अप के लिए भी मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। अगेन मैंने नीचे जो पिक्चर लगाई है उस पर भी येलो बैकग्राउंड का यूज़ किया है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसमें मैंने मैप को, कंटेंट को एंड कुछ पिक्चर्स को सी ग्रीन कलर के साथ पेस्ट किया है। नेक्स्ट टू शीट पर डेमोग्राफी एंड वेदर कंडीशन के बारे में मैंने कंटेंट लिखा है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट शीट पर येलो और ऑरेंज कलर की थीम ली है, जहाँ पे मैंने डेमोग्राफी टेबल बनाई है एंड कंटेंट लिख के एक पिक्चर लगाई है। वेदर कंडीशन को मैंने सी ग्रीन और पिंक कलर की थीम यूज़ करके बनाया है। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स को और राइटअप को पिंक कलर यूज़ करके लिखा है और थीम के लिए, हेडिंग के लिए मैंने सी ग्रीन कलर का यूज़ किया है। नेक्स्ट मेरी शीट है एक्सेसिबिलिटी की, इसमें बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन के बारे में मैंने बताया है। नेक्स्ट मेरी थीम है मेजर सिटीज़ एंड टाउन। यहाँ पे मैंने एक टाउन और एक सिटी को लिया है, सिटी ऊपर है और टाउन नीचे। नेक्स्ट मेरी शीट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, इसके ऊपर मैंने सिर्फ पिक्चर्स का यूज़ किया है, कंटेंट नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी सारी प्लेसेस होती हैं बताने के लिए, तो कंटेंट लिखने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ पिक्चर्स का यूज़ किया है। इन दोनों शीट्स में मैंने कंटेंट को इतना ज़्यादा लिख दिया है कि मेरे पास हेडिंग लिखने के लिए स्पेस नहीं बचा, बट फ्लोरा एंड फौना की आप हेडिंग लिख सकते हैं एंड साथ ही साथ कल्चर, कुजीन एंड आर्ट की भी एक हेडिंग लिख सकते हैं। आप चाहें तो हेडिंग देखने के लिए मेघालय वाले वीडियो को देख सकते हैं। रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट में भी मैंने कुछ पिक्चर्स लगा के यहाँ पे बताया कि क्या क्या स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं और क्या क्या नेचर अट्रैक्शंस यहाँ पे हैं। माय लास्ट टॉपिक इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आई होप मेरा ये ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।